वेलकम टू आल्स व्यूअर। यह वीडियो थर्ड क्लास से ट्वेल्थ क्लास तक के स्टूडेंट के लिए है। इस वीडियो में हम स्टूडेंट के आईआईटी जेई जूनियर इंट्रेंस जॉइंट इंट्रेंस एग्जाम तथा मेडिकल इंट्रेंस की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में बताएंगे और इंटरमीडिएट तक के स्टूडेंट ऑनलाइन कैसे पढ़ाई करें और हाउ टू प्रिपेयर इंजीनियरिंग इंट्रेंस एग्जाम बाय ऑनलाइन या हाउ टू प्रिपेयर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। अगर ऐसे सवालों से आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पे तीन प्लेटफॉर्म है, एनसीईआरटी ई पाठशाला, दूसरे नंबर पे आईआईटी प्रोफेशनल असिस्टेंट लर्निंग प्लेटफॉर्म, तीसरा एमएचआरडी के द्वारा चलाए जा रहे स्वयं कोर्स। इसकी पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ई पाठशाला एनसीईआरटी के द्वारा जो है कि एनसीईआरटी के द्वारा संचालित पाठ्यक्रम ई पाठशाला। ओके, ई पाठशाला जो है एनसीईआरटी के द्वारा कोर्स चलाया जाता है। इसमें थर्ड क्लास से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक के सारे स्टडी मटेरियल मौजूद होते हैं। जैसा कि इसका कुछ इस तरीके से स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट और एडुकेटर सभी के लिए इसमें प्रोग्राम होते हैं। इसमें नेम, क्लास और जो ई बुक, आडियो, टीचिंग इंस्ट्रक्शन, करिकुलम रिसोर्स सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत के अलावा कई अन्य सब्जेक्ट्स में पीडीएफ होते हैं। इसमें मोबाइल व्यू और पीडीएफ व्यू दोनों अवेलेबल रहता है। इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्वयं प्रोग्राम शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम है। इसके तहत आप स्कूलिंग और टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं कि एक वेबसाइट दिया हुआ है। इस वेबसाइट पे अगर हम विजिट करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे आल कोर्स पे क्लिक करेंगे। आल कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद जो है कि हर तरह के कोर्सेज दिखाई देंगे इस पे। जैसा कि इस नेविगेशन में देख पा रहे हैं, इसमें थोड़े समय बाद अपडेट होता है और उसके बाद जो है कि इसमें तमाम तरह के कोर्सेज, जैसे यहाँ पे सर्च ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें फिल्टर लगा के नेशनल कोऑर्डिनेटर होते हैं जो संचालक होते हैं, कोर्स संचालक, जैसे AICTE, CEC, IGNOU, IIB, NCERT और NIOS। इंटरमीडिएट के लिए स्पेशल NCERT और NIOS के कोर्सेज होते हैं। हम किसी पे क्लिक करके देख लेते हैं। इसमें जैसा कि सबसे पहले हम NCERT क्लिक करते हैं। NCERT क्लिक करने पर यहाँ पर कोर्स इसके सारे व्यूज हो जाएंगे। इसके नीचे चल के हम देख लेते हैं कौन कौन से कोर्सेज इंटरमीडिएट के लिए अवेलेबल है। अकाउंटेंसी 11th क्लास, NCERT, बायोलॉजी, उसके अलावा जो है कि आपके बिजनेस स्टडी, इस तरीके से बहुत कोर्सेज होते हैं जो 12th तक के लिए बहुत महत्वपूर्ण संचालन कोर्स होते हैं। अगर हम आगे NIOS के द्वारा देखना चाहिए, जो ओपन स्कूलिंग होता है, वह भी इंटरमीडिएट को स्टडी मटेरियल को अध्ययन कराते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम NIOS पे क्लिक करते हैं। NIOS ओपन स्कूलिंग होता है, सेंट्रल लेवल पे ओपन स्कूलिंग बोर्ड है NIOS। हम आगे चलते हैं। NIOS के द्वारा कोर्सेज जो चल रहे हैं वो अकाउंटेंसी उसी तरीके का है, भारतीय दर्शन और बिजनेस स्टडी, हर तरीके के कोर्सेज यहाँ पे मौजूद होते हैं जो कि 11th 12th और उससे छोटे लेवल के बच्चों के लिए ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। वेलकम टू आर। अब हम इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के सहायता के लिए एक अच्छे कंटेंट्स के बारे में बताएंगे, जिससे कि उनको तैयारी में बहुत आसानी मिलती है। आईआईटी प्रोफेसर असिस्टेंट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि यहाँ पे आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कराया जाता है, जिसकी ऑफिशियल साइट ये है। और यहाँ से हम कंटेंट लेना चाहें तो इसके नीचे आते हुए हम एक ऑप्शन मिलता है कंटेंट बेस्ड लेक्चर फॉर आईआईटी जेईई एंड नीट UGC प्रोफेशन सब्जेक्ट एक्सपर्ट, इनके द्वारा होता है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हम इस पर क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। एक नेक्स्ट पेज खुलेगा, लेक्चर कंटेंट। इस वीडियो लेक्चर कंटेंट में फिजिक्स इस लेक्चर कंटेंट में फिजिक्स के साथ मैथमेटिक्स के आगे जो है कि फिजिक्स मैथमेटिक्स
केमिस्ट्री, आगे चलिए लास्ट बायोलॉजी, ये सारे कंटेंट्स 100 100 वीडियोज मिल जाएंगे। अभी ये इंग्लिश मीडियम में है, परंतु IIT दिल्ली की डायरेक्टर के अनुसार जल्द ही इसका हिंदी मीडियम प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखना चाहें तो कोई भी क्लिक कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम फिजिक्स पे क्लिक करते हैं तो इसका फिजिक्स के लेक्चर कंटेंट यूट्यूब के थ्रू अगर देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं फिजिक्स के 130, चैप्टर के 188 और मोशन के 22, फिजिक्स वर्ड के हर चैप्टर। इसी तरीके से आगे केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी सारे के कंटेंट मिल जाते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, जिसके द्वारा अध्ययन कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। कृपया अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट इससे जुड़े पढ़ाई कर रहे हैं उनको जरूर शेयर करें, जिससे कि एक छोटे से प्रयास के बच्चों के स्टडी में चेंजेस आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।